हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एम एस एक्सेल पर चलते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो है हमारी होम टैब में। हमने लास्ट वीडियोस में होम टैब में ये जो स्टाइल्स में हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट वीडियो में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन पर दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल, हम ये वाला ऑप्शन कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए, हम मैं क्या करती हूँ, यहाँ नीचे से अपनी पूरी टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट टेबल बनाई हुई है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल नीचे एरो पर क्लिक किया और ये देखिए एक डिज़ाइन लिस्ट खुल गई। अब मैं इसमें से मुझे जो भी डिज़ाइन चाहिए मैं वो यहाँ से ये देखिए उस पर क्लिक करूँगी तो वो डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए जो भी मुझे चाहिए मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास डिज़ाइन आ गया। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये देखिए जैसे ही मैंने डिज़ाइन लिया तो आपके पास एक ऊपर टेबल टूल खुल गया, डिज़ाइन टूल। तो इसे आज हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक है जिसमें हमारे पास टेबल नेम है, टेबल टू लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसे रीनेम कर सकते हैं, यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे दिया 1 2 3, कुछ भी अभी मैं रैंडम दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारी टेबल का नाम सेट हो गया, ओके किया तो ये देखिए। लेटर्स देना ज़रूरी है इसमें तो मैं दे देती हूँ गोल्डी 1। तो ये हमारी टेबल का नाम देखिए सेट हो गया, मैं कहीं भी क्लिक कर रही हूँ वहाँ गोल्डी 1 ही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रीसाइज टेबल, हम अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं बड़ा छोटा। ये देखिए हमारी रेंज पूरी अपने आप सिलेक्ट हो गई जैसे ही हमने रीसाइज टेबल पर क्लिक किया। अब देखिए ये लास्ट में मेरे पास 12 है, मैं इसकी जगह मैं ये जो लास्ट में मेरे पास 12 है यहाँ क्लिक करके और सिर्फ 12 की जगह मैं 14 कर देती हूँ। तो आप देखना मेरे पास नीचे दो रोज एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ये देखिए मेरे पास नीचे दो रोज एक्स्ट्रा आ गई, मैंने 14 किया। तो इस टाइप से हम अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके इसे वापस सही कर देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये रीसाइज हमारे पास हो गया। आगे हमारे पास टूल्स ये ब्लॉक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है समराइज विद पिवट टेबल। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है बट मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, मैं इसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, उसमें हम इसे स्टडी करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ इंसर्ट में दिखा सकती हूँ, फर्स्ट दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल, तो ये हम जब इंसर्ट टैब पर आएंगे तब हम इसे स्टडी करेंगे। तो अब हम इसे स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। अगर कभी भी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई डुप्लीकेट रो कॉलम कुछ होगा तो ये उसे रिमूव कर देगा। तो ये देखिए अभी ये बोल रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यू इज़ फाउंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज, हम अपनी टेबल को अभी देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो अपने आप एक डिज़ाइन टेबल टूल खुल जाता है। अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा टूल है। बट अगर मैं इसे कन्वर्ट टू रेंज कर दूंगी तो ये रेंज बन जाएगी सिंपल और ऐसे डिज़ाइन टूल नहीं खुलेगा। मैं इसे कर देती हूँ कन्वर्ट टू रेंज, येस किया तो ये देखिए अब ये सिंपल रेंज है। अब देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ तो यह ऊपर डिज़ाइन टूल नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेती हूँ, ये वापस टेबल आ गई कंट्रोल जेड किया तो। अब ये देखिए इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट स्लाइसर। अब हमारे पास जो ये पिवट टेबल था इसमें हमें ऐसे फिल्टर मिलते हैं, ये देखिए, और हम उसे अपने डॉक्यूमेंट अपने जो टेबल है उसे फिल्टर कर सकते हैं इस टाइप से कि हमें कौन सा रोल नंबर का देखना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये मैंने हटा दिए, मान लीजिए मुझे 1 to 4 के देखने हैं। तो ये देखिए इस टाइप से हम फिल्टर करते हैं। तो इससे भी ज़्यादा इजी जल्दी काम होने वाला हमारा ये इंसर्ट स्लाइसर है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ से स्लाइसेस बना सकते हैं इनकी। जैसे मान लीजिए मुझे सबके हिंदी के मार्क्स चाहिए तो मेरे पास एक हिंदी के मार्क्स की स्लाइस आ जाएगी। ये देखिए ये सबके हिंदी के मार्क्स है, ये मेरे पास स्लाइस आ गई। तो इस टाइप से हम ये स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम स्लाइसर लेते हैं हमारे पास एक और टूल बॉक्स खुल जाता है, ये देखिए पूरा ऑप्शन। तो हम इसे भी स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्लाइस कैप्शन का नाम चेंज कर सकते हैं हिंदी की जगह, जैसे हमने टेबल में किया था। यहाँ स्लाइसर की सेटिंग्स है हमारे पास, जैसे देखिए नेम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले हेडर करना है या नई डिस्प्ले कैप्शन है जो हमारा, और हम A to Z असेंडिंग और डिसेंडिंग चेंज कर सकते हैं Z to A। तो इस टाइप से ये हमारे पास इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं, ओके किया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम चेंज, ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद अब मान लीजिए मैं एक और स्लाइसर यहाँ पे ले लेती हूँ, डिज़ाइन में जाके मैंने एक और स्लाइसर ले लिया, मुझे चाहिए साइन नेम वाला, ओके किया तो ये देखिए हमारे पास एक और स्लाइसर आ गया। अब हमारे पास दो स्लाइसर हो गए हैं, तो आप इस टाइप से जितने भी ले सकते हैं। अब हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
तो इनका क्या यूज होता है हमारे पास, ये देखिए अब मेरे पास दो स्लाइसर है, तो मान लीजिए मैंने इसको इधर रख दिया, अब देखिए वो उसके पीछे है, तो मैंने बोला ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये देखिए हिंदी वाला आगे आ गया, मैंने बोला ब्रिंग बैकवर्ड, तो ये सेंड बैकवर्ड, तो पीछे चला गया। ये सेंड टू बैक और फ्रंट के ही ऑप्शन है कुछ, ये देखिए। उसके बाद सिलेक्शन पेन ये आ जाएगा, मान लीजिए मुझे नेम वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, नेम वाला सिलेक्ट हो गया और ये हिंदी वाला, तो ये हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन में सब होता है। अलाइन, हम इन्हें अलाइन कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्रेस करके दोनों सिलेक्ट कर लिए, अब हमें ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में और टॉप पर करने हैं, तो ये देखिए अब ऐसा लग रहा है एक ही है, बट हमारे पास दोनों हैं एक दूसरे के आगे पीछे, कार्ड्स की तरह सेट हो गए, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये इसके अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, इसमें सेंटर, लेफ्ट, राइट, यही सब ऑप्शंस हैं। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप का, हम दोनों को कंट्रोल्स प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे, और ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, मैंने ग्रुप किया तो ये देखिए ये एक बन गया। अब ये देखिए हम इसके अंदर तो इसे हिला सकते हैं, बट ये देखिए ये एक पिक्चर टाइप है, तो इस टाइप से हम इसे ग्रुप कर सकते हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी स्लाइसर, ये रहा हमारा ऑप्शन, यहाँ ग्रुप में जाके हम इसे अनग्रुप कर सकते हैं, तो ये देखिए अभी अलग अलग हो गए, वो चला गया जो हमारा पॉइंटर वो था। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का, हम इसे रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेशन में नहीं जाएगा अभी क्योंकि ये इसकी जो हाइट वेट था वो इस टाइप से है। उसके बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम, कॉलम में हम इसके जो कॉलम्स है ये देखिए आप नेम वाले में देख सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ इसे, तो ये देखिए मैं जैसे इसकी ये बढ़ाऊँगी या कम करूँगी तो ये देखिए इस टाइप से चेंज हो रही है विड्थ इसकी, कॉलम्स कितने कॉलम्स चाहिए हमें ये वो बता रहा है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। हाइट हम इनकी बढ़ा सकते हैं, देखिए ये ब्लॉक्स की हाइट बढ़ गई अंदर जो ब्लॉक्स हैं। उसके बाद विड्थ हम इनकी बढ़ा सकते हैं, देखिए विड्थ कम ज़्यादा हो रही है। यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं, ये जो पूरा ये बॉक्स है इनकी, अभी हम अंदर के कॉलम्स की बढ़ा रहे थे, विड्थ भी हम यहाँ से ये बॉक्स की। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे स्लाइसर के। उसके बाद हम चलते हैं फिर से अपने टेबल के डिज़ाइन पर, हम दूसरी शीट पर चले जाते हैं, मैंने वहाँ भी ये टेबल रखी हुई है, तो ये देखिए हम आ गए। अब हम डिज़ाइन पर चलते हैं, तो ये हमारा इंसर्ट स्लाइसर हो गया टूल्स में। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट आपको पता ही है यहाँ से डॉक्यूमेंट को कहीं और लेकर जाना, हम अपनी टेबल को कहीं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जस्ट URL देना है, नेम डिस्क्रिप्शन डालना है और हम उसे वहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं यहीं से, तो हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश, हम रिफ्रेश कर सकते हैं, ये वाले कुछ ऑप्शन ये मैं आपको बाहर बताऊँगी लिंक करने के। ये देखिए हेडर रो पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ऊपर जो नेम, क्लास, रो नंबर वाली रो थी वो चली गई, क्लिक करूंगी तो वापस आ गई। टोटल रो देखिए नीचे टोटल की रो आ गई, मैं क्लिक करूंगी तो चली गई। बैंडेड रोज, जो ये बीच में डिजाइन वाली रोज होती है, मैं ले लेती हूँ कोई कलर वाली। ये देखिए मैंने ये एक डिजाइन वाली ले ली है, हम यहाँ से ये वाली ले लेते हैं, तो ये जो बीच में बैंडेड रोज होती हैं ये देखिए, तो ये आ गई और ये चली गई, थोड़ा जो वाइट सा लाइट वाला होता है। लास्ट कॉलम ये देखिए टोटल वाली जो कॉलम है पूरी डार्क हो गई बोल्ड, इसे हम हटा देंगे। फर्स्ट कॉलम तो नेम डार्क हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम देखिए लेंगे तो इस टाइप से डिज़ाइन वाले आ जाएंगे, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे। लास्ट कॉलम में भी देखिए डिज़ाइन आ गया, हटा दिया, बैंडेड कॉलम्स आ जाएंगे, ये देखिए फिल्टर बटन चले गए आ गए। तो ये इस टाइप से डिज़ाइन के कुछ ऑप्शंस थे गाइज, ये हमने डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर लिया। होम में हमने ये फॉर्मेट एस टेबल ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास है सेल स्टाइल, अभी हम पूरी टेबल को डिज़ाइन कर रहे थे, यहाँ से हम जस्ट एक सेल को डिज़ाइन कर सकते हैं या जितने भी हमने सिलेक्ट किए हों उन सेल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा कोई पर्टिकुलर अगर सेल है जिसे हमें हाईलाइट करना है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल सेट करती हूँ, इसमें कोई टूल बॉक्स नहीं होता है, इस पर हम डिज़ाइन वाले ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से मान लीजिए ये किया, तो इसके बाद कोई टूल बॉक्स नहीं खुलता है। तो ये हमारा स्टाइल बॉक्स आज कंप्लीट हो गया गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। आप पहले इसे प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेल और एडिटिंग कंप्लीट कर लेंगे सारा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। गाइज जिन्होंने वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं करते हैं वो प्लीज़ करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको पसंद आई या नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।